yet another video. So yes, आज हम लोग करने जा रहे हैं food explore. I know ये video बहुत ज़्यादा delay होती जाती है, but मैं कुछ नहीं कर सकती. मैंने ये गलत time पे शुरू कर दी winter, summers में, तो मैं वहाँ जाके खा नहीं सकती इतना. But आज मैंने सोचा कि हम लोग जाएंगे और आज हम लोग करेंगे रजौरी गार्डन का food explore. मैंने बहुत सुना है कि लाइक वेस्ट दिल्ली फेमस है अपने फूड के लिए, स्ट्रीट फूड के लिए. सो मैंने अभी भी वेस्ट दिल्ली का ही कुछ चूज करा है, रजौरी गार्डन. एंड बस अभी थोड़ी देर में वहाँ के लिए निकलने वाली हूँ. एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड. मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझे कहाँ कहाँ पे जाना है. सो आप लोग को मजा आने वाला है. एंड यस, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो हाई, दिस साइड स्नेहा एंड मैं बनाती हूँ लाइफ स्टाइल, फैशन, फूड और बहुत सारे कंटेंट जिसमें आप लोग को मजा आने वाला है. सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल. और अभी हम लोग चलते हैं अपना फूड एक्सप्लोर करने. और फर्स्ट प्लेस वॉज अतुल चाट. एंड इसके बारे में अगर आप लोग दिल्ली वाले तो आप लोगों ने पक्का सुना हुआ होगा. तो जैसे ही मैं सर्च कर रही थी कौन कौन सी फेमस जगह है रजौरी गार्डन में, फर्स्ट पे तो अतुल चाट यार थे, तो मैं फर्स्ट जगह ही यहीं पर गई थी. एंड मैंने आप लोगों को आसपास की जगह भी दिखाई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोकेशन भी, एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप लोग वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो. बट ईजीली आप लोग पहुँच जाओगे एंड मेट्रो के बहुत पास है, इतना दूर भी नहीं है. एंड गाइस, जैसे ये पाव भाजी मैं देख रही थी ना, लाइक इतना यम्मी लग रहा था देखने में, और खाने का तो आप लोग पूछो मतलब लाजवाब. देखो मैं बोल भी रही हूँ, उसमें बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी. एंड मेरे को पाव भाजी से ज़्यादा अच्छी लगी इनकी ग्रीन वाली चटनी. पता नहीं इन्होंने इसमें क्या डाला था, बट इट वॉज सो यम ना. मतलब मेरा मन कर रहा था मैं और भी यहाँ पे कुछ खा लूँ, बट मैंने मेरे को कंट्रोल करा, मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे गई. एंड इट वॉज विनोद चाट भंडार. ये बहुत छोटी सी शॉप है, तो मेरे को थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा था, बट मैं आप लोग को लोकेशन देती हूँ उसकी. जूडियो जहाँ पे भी है ना रजौरी गार्डन में, बिल्कुल उसकी आप अपोजिट देखोगे, थोड़ी सी दूर आओगे आप लोग को ये मिल जाएगा, विनोद चाट भंडार. पहले तो मैं यहाँ पे कुछ और लेने वाली थी, बट इन अंकल ने बोला बेटा अभी वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी 11:30 के अराउंड. तो फिर मेरे को ये आलू चाट मिली. गाइस, इट वाज आल्सो सो यम. मतलब आज की वीडियो में मैं यही यम 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 ही बोलने वाली, क्योंकि यम था. एंड पता नहीं इन्होंने ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सी सेव डाल के दी थी, पता नहीं, आई डोंट नो. हाँ ठीक है, जब मैं इसको टेस्ट करा फर्स्टली, मेरे को कोई टेस्ट नहीं आया. सेकेंड बाइट ली तब मेरे को समझ में आया, अच्छा ये ऐसी सी चाट है. एंड अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाने वाले हो ना, तो आप लोग प्लीज़ इनको पहले ही बोल देना थोड़ा स्पाइसी कर दें. मेरे को थोड़ी मीठी ज़्यादा लगी, लाइक जो मीठा वाला सॉस होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा डाल दिया होगा या फिर लोग खाते होंगे. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, मुझे थोड़ा तीखा चटपटा पसंद है, तो मेरे को इसमें चटपट की कमी थी. बट ये भी बहुत फुलफिलिंग थी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पेट मेरा बाहर निकलने वाला था इन दो डिश को खा के. वो भी हमने तीन जने खाई थी, तब भी बहुत अच्छा लग रहा था. मेरे को थकान भी नहीं होती थी, ऐसा था और खाती रहो, क्योंकि यम्मी लग रहा था यार. और मैंने भी बोला वहाँ पे पास में जूडियो, तो मैं जूडियो आ गई थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी बाहर, तो थोड़ा अपने आप को ठंडक एसी के लिए हम लोग जूडियो में आ गए थे. और फिर मेरे को कहीं और जाना था खाने को, बट मेरे को वो जगह मिली नहीं, तो मैं वापस से अतुल चाट पे आई. उसके पड़ोस में ये गोल्डी मोमोज थे, मैं वहाँ पे बैठ गई मोमोज खाने. पहले तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि लाइक मोमोज तो नॉर्मल ही होंगे, मेरे को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. बट गाइस, जब इन्होंने मुझे मेरे मोमोज दिए, लाइक मैंने ना वो प्लेटर किया था 200 वाला, मैंने वो लिया था. उसमें आइस की वगैरह थे, 5 टाइप के मोमोज थे, जो जिनके दो दो पीस होंगे. मैं सोचा क्यों ना एक साथ सबका टेस्ट आपको बता देती हूँ. गाइस, सारे मोमोज अच्छे थे, बेस्ट थे. मैंने इससे अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए. जो हम लोग वैसे बाहर स्ट्रीट पर जो ठेले वाले होते हैं, वो भी अगर मैं खाऊं, उनसे भी बहुत यम्मी थे, लाइक सुपर्ब से भी, डुपर से भी बहुत यम्मी. मैंने ऐसे टेस्ट के मोमोज कभी नहीं खाए, इतने 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 अच्छे. एंड इनकी भी ग्रीन चटनी वॉज फैब. एंड माई पर्सनल फेवरेट वॉज दैट ग्रेवी वाले मोमोज. और फिर मैं आ गई थी सबकी फेवरेट पेंदी हट्टी पे. हम कहीं भी जाएं फूड एक्सप्लोर करने, छोले भटूरे ना खाएं फेमस, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है. भीड़ देगी ना आप लोगों ने कितनी ज़्यादा थी इस पर, आप समझ जाओ कितना फेमस है. अरे बहुत ज़्यादा फेमस है एंड मेट्रो के बिल्कुल पास है, बिल्कुल 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 पास है. एंड जो मैप पे उसकी लोकेशन दी है गूगल मैप पे, वो गलत थी, तो मेरी लोकेशन से देख ले के चले जाना. मैंने सही लोकेशन ले ली यहाँ की यार, क्योंकि उन्होंने गलत डाली भी है. भीड़ तो देख ली थी, मैं पहले कंफ्यूज थी कौन से वाले में जाऊँ, क्योंकि आई वॉज अ न्यू पर्सन हेयर, तो मैंने फिर ब्लू वाले में गई. मैं एसी चल रही थी उससे पहले, आपको मैं बता देती हूँ, गर्मी लग रही है यहाँ के बेड ऑफ एसी चलती है. लाइक छोले भटूरे वॉज नॉर्मल, लाइक जैसे हम कहीं और खाते हैं वैसा ही था, कुछ इतना मेरे को अलग नहीं लगा. ऑल दो इट वॉज नॉट ऑयली, तो ये ऑयली नहीं था बिल्कुल, फुलफिलिंग था ऑब्वियसली, छोले भटूरे होता ही है. इनकी लस्सी की मैं बात करती हूँ, लस्सी वॉज सो अमेजिंग, लाइक
मजा आ गया। एक दिन की क्वांटिटी इतनी अच्छी, ऊपर से इनकी ठंडी ठंडी लस्सी मेरे पेट में गई, मेरे तो मजे ही आ गए थे यार। छोले भटूरे रेवल से कि सबके सेम ही होते हैं, इतना कुछ स्पेशल मेरे को नहीं लगा। ऑल दो मुझे इनका अचार इतना अच्छा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था, बट द लस्सी वॉज फैब। कभी भी जाओ तो लस्सी पीना मत भूलना इसके साथ। एंड मेरे को बाद में पता लगा था कि इन लोग के यहाँ प्रॉपर खाना वगैरह की थाली भी होती है, अगर आप लोग को वो चेकआउट करनी है वो भी खा सकते हो। तो अभी मैं घर आ गई हूँ एंड लिटरली इट वॉज सो 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 हैक्टिक, आई कांट टेल यू। लाइक घर आते मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे, अपना थोड़ा सब कुछ संभाला और अभी मैं शूट कर रही हूँ। अब मैं आपको अपडेट दे दूँ, द फूड वॉज वेरी 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 मच टेस्टी। लाइक ऐसा कोई भी फूड नहीं जिसको मैं ये कहती हूँ वो अच्छा नहीं था। तो मेरे पैसे तो बिल्कुल वसूल हो गए हैं। लाइक जो मैंने जगह चूज़ करी थी जहाँ मुझे जाना था, मैं सब जगह नहीं जा पाई, आगे बताती हूँ क्यों, बट जहाँ पे भी मैं गई इट वॉज सो 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 ऑसम। लाइक क्या खाना था, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं रोज़ खाऊँ यार वो चीज़ें, इट वॉज सो 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 गुड ना। एंड ऐसा टेस्ट मैंने कभी भी नहीं खाया, मैंने मोमोज में खाया, मैंने पाव भाजी में खाया, अमेजिंग। एंड देखो मैं गई थी सुबह में लाइक अराउंड 11:30, तो उस टाइम इतना मार्केट नहीं ओपन होता है, तो कुछ चीज़ें थी जो मेरी छूट गई। लाइक अभी वो ओपन नहीं हुई थी, मेरे को टाइमिंग नहीं पता था उनका, बट तो मैं इसलिए गई थी इतना जल्दी क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी। वीडियो के हिसाब से हमें इस टाइम पे जाना, ऐसे टाइम पे जाना था जहाँ पे क्राउड ना हो, मैं वो सोच के गई थी। और मेरे को कुछ जगह नहीं मिली तो नो वरीज, मैंने अपनी जगह चेंज कर दी थी एक या दो, है ना। तो कोई नहीं, जितना खाया बहुत अच्छा खाया, कुछ नहीं खा पाई वो कहीं और पे कहीं खा लेंगे, बट दिस प्लेस इज बेस्ट। अगर आप लोग को कहीं भी जाना है खाने, अगर आप लोग दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली आ रहे हो कि हमें खाना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि रजौरी गार्डन का स्ट्रीट फूड ज़रूर से खाना, इट इज़ द बेस्ट वन। तो और थम्स अप अभी तक मैंने तिलक नगर का खाया है, मैंने सीपी का खाया है, तो मेरे लिए अभी तक का बेस्ट रजौरी का ही रहेगा टॉप पे। और आगे देखते हुए काम लाती हूँ। एंड ये सुनो थिंग, आप लोग मेरे को कमेंट से बताना कि मैं आगे कहाँ का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे कहाँ का करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट कहाँ का स्ट्रीट फूड खाने जाऊँ। बाय।